नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। रामपुर ई फार्मेसी, ई ट्रेडिंग और जीएसटी में दिक्कतों के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का बाजार बंद रहा। इसमें दवा विक्रेता भी शामिल रहे, लेकिन बाजार बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिला। हड़ताल सफल बनाने के लिए फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने शहर में जनसंपर्क भी किया। बाजार में अपनी दुकानें भी बंद रखी और साथ ही अपनी मांगों को लेकर व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं फार्मा एसोसिएशन ने बताया कि ई फार्मर्स के माध्यम से दवाओं की बिक्री की जा रही, इससे देश भर के लाखों दवा विक्रेता और वहाँ काम करने वाले अनेक कर्मचारी प्रभावित हो रहे। दवा विक्रेताओं के परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। ई फार्मेसी के जरिए दवा कंपनी ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर लोगों के घरों तक सीधे दवा पहुंचा रही, इससे नशे की दवा ज्यादा इस्तेमाल होने लगी है। आपका नाम जानना चाहें? मेरा नाम ओपी आहूजा है। मैं फार्मा ट्रेडर एसोसिएशन एफिलेटेड बॉडी ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग फेडरेशन उत्तर प्रदेश और AICD का जिला अध्यक्ष रामपुर जनपद का। मेरे साथ मेरे सब पदाधिकारी मोहम्मद आजम का महामंत्री, खुशी विक्राम साहब वाइस। हम ये जानना चाहते हैं आज जो ये बंद है कि किस को लेकर है, पूरा मामला क्या है? पूरा भारत वर्ष बंद है। भारत सरकार ने एक दमन नीति कानून लेकर आ रही है जिसमें ई फार्मेसी को गजट में पास कर दिया गया। हमसे विपत्ति मांगी गई, हमने विपत्ति दर्ज किए पूरे भारत वर्ष में। ई फार्मेसी के माध्यम से यह है कि सरकार का ये ध्यान है कि आप ई फार्मेसी के माध्यम से अपनी दवाइयाँ घर मंगा सकते हैं। अब उस दवाई मंगाने ई फार्मेसी का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि उसमें क्या पता वो जेन्युइन दवाइयाँ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। युवा पीढ़ी उससे बिगड़ रही है, नशे की दवाएं अपने घर ऑनलाइन मंगा रही है क्योंकि वहाँ प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो ऑर्डर प्लेस करते हैं ऑनलाइन तो ई फार्मेसी उनको डिलीवरी कर देती है घर पर। और जो युवा लड़कियाँ हैं वो एंटी पिल्स, प्रेगनेंसी एंटी पिल्स जो टैबलेट हैं वो अपने घरों पर मंगा रही हैं। इससे युवाओं के अंदर नशे का वो ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए हम ई फार्मेसी का विरोध करें। सेकेंडली जो हमारा रिटेल आउटलेट है, जो रिटेल के